हेलो सीए मेंबर्स, कई लोग का डाउट आता है कि डीसा की बैचेस को कैसे ऑप्ट करें, ई लर्निंग जो पोर्टल है उसको कैसे हम एक्सेस करें। तो आज हम वही देखेंगे। learning.icai.org पे आपको जाना है। इस तरीके से आप सर्च बार पर डाल सकते हैं learning.icai.org, ये आपका URL है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, ये इस वेबसाइट पर, तो इस तरीके से आपका पेज लोड होगा। अब देखिए, जो डीसा जो कोर्स है वो एक पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज है, तो आपको यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज, ई जर्नल, ये सब में कहीं नहीं जाना है। सीधा आपको जाना है पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज में। देखिए, यहाँ पे 3 कोर्सेज अवेलेबल है पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज में। तो अब जैसे ही एक्सप्लोर मोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। पहला है पीयर रिव्यू का कोर्स, जो कि क्लोज हो चुका है। दूसरा है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, और तीसरा है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0, डीसा 3.0। ये जो लेटेस्ट कोर्स है यूसी का है। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो ऑप्शन दिखेगा ये फ्री दिखेगा। यहाँ पे आपको कोई बैचेस नहीं दिखेंगी, वर्चुअल या फिजिकल बैचेस। ये पहले यहाँ पे दिखती थी, वो आजकल बंद हो गई है। ये सब इसके अंदर दिखने लग गया है। अब होता ये है कि यहाँ पे आपको ये फ्री दिखता है, और आपको ये अंदर इसके जाना है, सब्सक्राइब करना है, और ई लर्निंग को पहले कम्प्लीट करना है। जब ई लर्निंग आपका कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको वो बैचेस दिखना चालू होएंगी, जब आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे अभी कोई पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट उस समय इसलिए अंदर हो गया है क्योंकि अब वो पेमेंट जो है वो डिसाइड उसी से होएगा कि अगर वर्चुअल है तो कम पेमेंट लगता है, फिजिकल है तो ज़्यादा पेमेंट लगता है। तो ये उस बेसिस पे डिसाइड होता है, इसलिए वो बाद में पेमेंट करना है जब बैच सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले आपको नॉर्मली फ्री बेसिस पे ई लर्निंग कम्प्लीट करनी है। तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, तो आपको किस तरीके से दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का ये प्रोडक्ट आपको दिखेगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स ऑन इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब यहाँ पे देखिए, आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। पहला है अनस्ट्रक्चर्ड डैब इन्फॉर्मेशन ऑडिट डीसा बैच 1। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है, ये है आपका ई लर्निंग। तो आपको यहाँ पे इसको लॉन्च करके ई लर्निंग को कंप्लीट करना है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है यहाँ ISA 3.0 रजिस्ट्रेशन बैच। तो ये है रजिस्ट्रेशन बैच, जहाँ पे आपको जो फिजिकल और वर्चुअल बैचेस है वो दिखेंगी। पहले को मैं एक बार लॉन्च करता हूँ। जैसे ही मैं ये फर्स्ट ऑप्शन को लॉन्च करूँगा, तो मेरे लिए ई लर्निंग का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये ई लर्निंग चालू हो गया है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये जो कोर्सेज मिलेंगे, जो कि रहेंगे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, इसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे सी रजत अग्रवाल आप सर्च कर सकते हैं, या prokhata.com विजिट कर सकते हैं। इसका एक रिविजन वीडियो भी है, और हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है हमारे पास, तो आप वो विजिट कर सकते हैं। चलिए, ये तो था पहला ऑप्शन। अगर ये आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन बैच पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉन्च करना है रजिस्ट्रेशन बैच। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे, तो जो भी अवेलेबल बैचेस है वो आपको दिखने लग जाएंगी। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक वर्चुअल बैच का सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 77-78 बैच लॉक दिखा रहा है, मतलब ये फुल हो चुकी है। तो अभी कोई भी बैच ओपन नहीं है, तो मतलब वर्चुअल बैच तो कोई भी अवेलेबल नहीं है। चलिए अब हम फिजिकल बैचेस देख लेते हैं। फिजिकल बैचेस में यहाँ पे अवेलेबल है कुछ बैचेस यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि पटना में 1 जून में बैच है, गोरखपुर में मई में, अहमदाबाद में जुलाई में है, नवसारी में मई में है। उस तरीके से देखिए, दिल्ली वाली बैच फुल हो चुकी है मई की, एर्नाकुलम मई में है, जयपुर मई में है, हैदराबाद अप्रैल, ये हो चुकी बैच कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एक रायपुर में मई में बैच है, फरीदाबाद मार्च, ये कंप्लीट, ये ओल्ड हो चुकी, चालू हो चुकी है, ख़त्म हो गई। उस तरीके से यहाँ पे आपको ये अवेलेबल जो बैचेस है वो दिख जाएंगी। तो लगभग ये जो नीचे है वो सब ओवर हो चुकी है, तो ये जो ऊपर की बैचेस है ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब आप पटना की बैच पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको जब आपका ई लर्निंग का पोर्शन कम्प्लीट हो जाए, फिर आपको ये फिजिकल बैच वाले पोर्शन में आना है। फिर देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये फिजिकल बैच आ गई। अब यहाँ पर आपको पटना की फिजिकल बैच है उसमें 20,000 का पेमेंट करना है। ये क्योंकि फिजिकल बैच है, इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा है। 20,000 फीस जो है वो आपको यहाँ पे लगेगी, और यहाँ से आप उसको बाय करके इसको ऑप्ट कर सकते हैं, और आप अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाती है, तब आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है, मई और नवंबर। मई में ET होगी, और फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी AT एग्ज़ाम हो जाएगी। तो वैसे ही आपका नेक्स्ट में नवंबर में भी होता है, और दिसंबर में होता है, सेम तरीके से एक एक महीने के गैप में ET होती है, तो और साल में 2 बार होती है। तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप अगर प्रोफेशनल बैचेस अभी कंप्लीट कर लेंगे, तो समझ लीजिए जब ET होने वाली रहती है, तो उसके 3 महीने पहले आपकी बैचेस ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब आप वो अटेम्प्ट दे पाएंगे। इसीलिए अगर अभी आप कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट देने मिल जाएगा,
कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट prokhata.com विजिट कर सकते हैं या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ सी रजत अग्रवाल। थैंक यू सो मच।